स्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाए गए कार्मिकों का प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनेक्सी भवन के सभागार में शुक्रवार को 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्मिकों को 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण लेने के बाद कार्मिक 14 अप्रैल को अपने ब्लॉक पर पहुंचकर चुनाव सामग्री लेने के बाद 15 अप्रैल को अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान कराएंगे, जिसके संबंध में सहायक निदेशक मत्स्य व प्रशिक्षण एके शुक्ला ने बताया कि कार्मिकों को बैलेट बॉक्स को खोलने तथा बंद करने और बूथ पर पहुंचकर क्या करना है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को डायरी भरना तथा पेपर सील लिफाफा कैसे तैयार करना है इसकी भी पूरी जानकारी दी गई है, जिससे कि कार्मिक निर्वाचन का कार्य सही ढंग से कर सके और चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक निदेशक मत्स्य व प्रशिक्षक एके शुक्ला ने कहा, इसमें कई विभाग के इसमें हमारे सहयोगी साथी काम कर रहे हैं और ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसमें शिक्षा विभाग इन्वॉल्व ना हो। और जहां आप चुनाव कराने जा रहे हैं पंचायत में प्रथम बूथ भी शिक्षा विभाग का ही है, यानी कि स्कूल है या प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो चाहे इंटर कॉलेज। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है किसी समाज को बनाने में या किसी परिवार के लिए शिक्षा अच्छी है तो परिवार या समाज भी बहुत अच्छा रहता है, काम सब अच्छे होते हैं। हमारे बीच में टेबल पर भी देखिए हमारे मिश्रा जी जो एक हिस्से हैं वो भी बैठे हैं, इसीलिए हम लोग बैठाते हैं, चुनाव बैठाता है कि शिक्षा का चर्चा हमेशा चलता रहे और शिक्षा एक दो तरह की होती है, एक क्लासरूम शिक्षा एक जो है बीच बीच में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण इसीलिए होता है कि जो हम जानते हैं उसके ज्ञान में और वृद्धि करके हमारी क्षमता को मजबूत किया जाता है, क्षमता बढ़ाई जाती है। प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि जो भी हम जानते हैं उसमें और थोड़ी वृद्धि कर दी जाए ज्ञान में, जिससे कि हमारे क्षमता में वृद्धि हो जाए। यही है, हर विभाग में भी प्रशिक्षण होता है और चुनाव जब होता है तब भी प्रशिक्षण काम कराया जाता है, क्योंकि विभागीय कार्यों में भी प्रशिक्षण लगातार नहीं होते, बीच बीच में होता रहता है और चुनाव भी चूंकि बार बार होता नहीं है, हर तरह के चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो चाहे पंचायत की। चूंकि 5 साल के बाद होता है और कुछ बदल जाती है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, जैसे लोकसभा है विधानसभा है वहाँ EVM का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक पंचायत का चुनाव है इसमें जो है मतपेटी का प्रयोग होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार विधानसभा या लोकसभा में चुनाव कराए होंगे, EVM का प्रयोग हुआ था। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे पहली बार चुनाव भी कराने जा रहे हैं, एक भी चुनाव नहीं कराए, तो ऐसे कितने लोग हमारे बीच में सामने बैठे हैं जो पहली बार चुनाव कराने जा रहे हैं, जो कभी चुनाव नहीं कराए, खुला दिखाइए तब में पता चले गिना जाता है। आप एक नहीं कराई है, आप ही नहीं कराए, तो करीब करीब ऐसा कोई भी पार्टी जो भाग्यशाली नहीं है जिसने एक लोग ना कराए, सभी ने लोग कराए, तो ये अच्छी बात है। तो जो कराए हैं वो भी कृपया ये ना सोचे कि हमें क्या सीखना है, हम सब जानते हैं, बताने पर आपको याद आ जाए तो जानते हैं, कहीं भूला भी होगा, लेकिन जो पहली बार कराने जा रहे हैं कृपया भली बात समझ लें। जब ऐसा होता है कि जो पहले कराए हैं वो सोचते हैं अरे हमें क्या सीखना है, हम तो सब जानते हैं, और जिसने हाथ उठाया था उसके बगल में अगर उसने देख लिया कि हमारे
पीठासीन अधिकारी ने तो पहले से कराया है, तो सोचा कि अब हमें क्या सीखना है, पीठासीन अधिकारी तो जानते ही हैं। मतदान गया ड्यूटी भी देख लिया कि ये पीठासीन अधिकारी ने हाथ उठाया, वो भी सोचा कि चलो हमें भी नहीं सीखना है, और मतदान गया ड्यूटी सोचता है हमारे ड्यूटी के अधिकारी हैं, हमें क्या सीखना है, और सभी लोग नहीं सीखे और वहाँ गए बक्सा खुल ही नहीं रहा। ये जिंदा रोड क्या होता है, चैलेंज रोड क्या होता है, ये सामाजिक लिफाफे कैसे बनेंगे और सामाजिक कैसे बनेंगे तो समझे नहीं पाए। तब क्या होगा, गर्मी का महीना पसीना टपकेगा चारों तरफ से, बीपी अगर कम था वो ज्यादा होने लगेगा। इससे अगर बचना है तो इतने बढ़िया जिला प्रशासन ने हाल हम लोगों को दिया है, उसमें हम भी शामिल है, सर हमें भी अच्छा लग रहा है, ऐसी बढ़िया चल रहा है, साफ सुथरा हाल है। अधिक से अधिक समय आप व्यतीत कर लीजिए, पूरा समझ के जाइए, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त किए हैं, हायर एजुकेटेड हैं, बहुत कठिन कठिन एग्जाम दिए हैं, ये तो बहुत सरल है चुनाव प्रक्रिया, एकदम सरल, इसको समझने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगानी नहीं है, रटना है नहीं तो समझना है। वैसे भी हर पीठासीन अधिकारी को एक पुस्तिका मिली है ना, पुस्तिका मिली है तो इसका अध्ययन कर लीजिएगा। उसी बूथ का आपका है या नहीं है, अगर उसी बूथ का है देख लीजिएगा, उसमें निर्वाचन में जिले का कोड रहेगा 151, ब्लॉक रहेगा, बूथ की रहेगी, आपके बूथ का देख लिया है किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है। इस बार के निर्वाचन में लगभग सभी बूथों पर लगभग 800 का सही मतदाता सूची है, तो देख लेंगे किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है, चारों सूची एक समान होगी, एक ही क्रमांक तक होगा। अगर आप मतदाता सूची सही है तो आपको प्रत्याशियों की सूची मिलेगी, उसमें प्रत्याशियों की सूची जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चारों पदों की सूचियां होंगी, और फिर बैलेट पेपर देखेंगे, बैलेट पेपर मतदाता पत्र मतदान पत्र जो है वो बैलेट पेपर वो भी चार पदों के हैं, चार पदों के चार रंगों के होंगे, अलग अलग उनकी गड्डियां होंगी, वो आप क्रमांक देख मिला लेंगे मतदाता सूची से कि वो उसी क्रमांक की है या उसी बूथ की है या कहीं भिन्न है। वैसे व्यवस्था एआरओ द्वारा बाकायदा छानबीन करके काफी व्यवस्था से की गई है, कमी रहने की उम्मीद नहीं है, फिर भी आप उसे अच्छी तरह से देख के सुनिश्चित कर लेंगे, रवानगी से पहले यह व्यवस्था आपकी हो जानी चाहिए। और उसमें चार रंग के हैं, पहला पद है सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत का सफेद रंग का होगा बैलेट पेपर। दूसरा पद है प्रधान ग्राम पंचायत, उसका हरे रंग का प्रधान ग्राम पंचायत का होगा बैलेट पेपर। और तीसरा नीले रंग का जो होगा वो सदस्य क्षेत्र पंचायत का नीले रंग का, और साथ ही सदस्य जिला पंचायत का गुलाबी रंग का पिंक कलर का होगा। प्रतिफल उसकी पैड में रह जाता है और उसको फाड़ के निकाल दिया जाता है, तो प्रतिफल को काउंटर फाइल भी कहते हैं, जिसमें सिग्नेचर अंगूठा वगैरह लगाया जाता है, नंबरिंग की जाती है। मेरा नाम ए के शुक्ला, सहायक निदेशक मस गोरखपुर। ये 60 पार्टियां हैं यहाँ पर, 60 पार्टियों में चार लोग एक पार्टी में हैं, इन सभी लोगों को बैलेट बॉक्स कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, वहाँ पे ब्लॉक पर पहुँचने के बाद क्या क्या कार्य इनको
जाने से पहले करना है, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताना है, स्टेशनरी किस भाँज में लाना है, बैलेट पेपर कैसे लेना है, इन सारी जानकारियों को दिया जा रहा है। इसके बाद बूथ पर पहुंचने के बाद इन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं और मतदान दिवस पर इन्हें वहां पर 15 तारीख को क्या क्या कार्य करने हैं इसके बारे में इनको विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे अपनी डायरी भरेंगे, कैसे मतपत्र का लेखा तैयार करेंगे, कैसे पेपर सील का लिफाफा लेखा तैयार करेंगे और सभी लिफाफे जो सामाजिक और असामाजिक लिफाफे हैं उनको तैयार करने की जानकारी इनको दी जा रही है, जिससे कि अपना निर्वाचन कार्य अच्छे ढंग से कर सकें। जी ट्रेनिंग 3 शिफ्ट में हो रही है प्रतिदिन और 11 तारीख तक है। प्रत्येक शिफ्ट में 60 बूथ 60 पार्टी के लोग इसमें बैठ रहे हैं।